हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोहा भस्म के बारे में। इसका दाम केवल 15 रुपया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले वाले वीडियो में कहा भी था कि हमारे शरीर में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, हर एलिमेंट मौजूद होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके शरीर में लोहा तत्व की कमी है तो उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अगर आपके शरीर में लोहा की कमी होगी तो आपको ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बिना काम किए टायर्ड हो जाना, यानी कि बहुत ज्यादा लेजी फील होना, सर चक्कर देना, याददाश्त की कमी होना, बालों का ज्यादा गिरना, लेफ्ट साइड के सर में दर्द होना, अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो उसका जल्दी नहीं भरना, पीरियड का प्रॉब्लम आना, शरीर में लोहा की कमी होने के कारण ये सब बीमारी हो जाती है। एक बात का आप सभी ध्यान रखें, आप इसका सेवन जब भी करते हैं आपको इसका सेवन लगातार नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप इसको 1 से 2 महीना तक खाइए, उसके बाद 3 महीना के लिए बंद कर दीजिए। उसके बाद अगर आप चाहे तो आप फिर से इसका सेवन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसके सेवन से क्या क्या फायदे होती है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लोहा भस्म का सेवन से शरीर में ताकत बढ़ती है और ब्लड काउंट की समस्या भी दूर हो जाती है। यानी कि जिनके शरीर में एनीमिया हो गया है या जिनके शरीर में खून की कमी है, वह लोग भी लोहा भस्म का सेवन कर सकते हैं। शरीर में रक्त की कमी के कारण शरीर पीला होने लगता है, यानी कि जॉन्डिस की बीमारी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली फायदा ये है कि इसके सेवन से आपको लंबी उम्र का वरदान मिलता है, और इसके सेवन से आपकी स्पर्म काउंट भी बढ़ने लगती है। लोहा भस्म के साथ प्रभाव पिष्टी खाने से स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसको सबसे अच्छा रसायन भी माना जाता है। स्किन प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है या जिनका मेटाबॉलिज्म कमजोर हो गया है, वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। कफ और पीत के रोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पाइल्स यानी कि बाबा सिर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोटापा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोहा भस्म के सेवन काल में आपको सफेद कोहरा, तिल्ली का तेल, गाय, शराब, सिगरेट, मछली, बैगन, करेला नहीं खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है।